नमस्कार, मैं हूँ इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल इंदु जी के रेमेडीज पे। आज मैं वो सारी पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ जो धनतेरस से मैं शुरुआत करती हूँ और फिर कंटिन्यू 5 दिन तक करती हूँ। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि यम का दीपक किस तरह से जलाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, कहाँ उसे किस दिशा में जलाना चाहिए। इसके साथ साथ और भी मैं बातें शेयर करूंगी, जैसे कि जो सारे घर में दिए जलाए जाते हैं उनमें क्या ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जिस वजह से घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना रहे, घर में सिर्फ पॉजिटिविटी रहे, घर में हमेशा पैसे की बरकत बनी रहे, सेहत अच्छी रहे और सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो। तो मेरे साथ ज़रूर से बने रहिएगा। एक लाल पाटे पे मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया। अब मैं थोड़े से चावल यहाँ पे रख रही हूँ। मैं यहाँ पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रख रही हूँ। चाहे तो यहाँ पे फोटोग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस तरीके का दिए का स्टैंड आता है बाजार में, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ क्योंकि हमारे घर में ये इस्तेमाल किया जाता है, पर ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसको यहाँ पे रख, आज मैं इसे नहीं जलाऊंगी क्योंकि आज मैं आपको ये डेमो करके बता रही हूँ। नॉर्मली हम इसको दिवाली वाले दिन ही इसमें दिए जलाते हैं, तो उसी दिन मैं इसको जलाऊंगी। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे तांबे का लोटा, आप चाहे तो स्टील या चांदी का भी ले सकते हैं। अब हम इसमें कलश स्थापना करेंगे। इसमें पानी भर देना है हमें। अब इसमें 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से चावल या अक्षत इस तरीके से डाल दे और 5 यहाँ पे आम के पेड़ के पत्ते इस्तेमाल किए। आप चाहे तो यहाँ पे पान के पत्ते भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से श्रीफल या नारियल इस पे रख देना है। पानी वाला नारियल ये रखा है मैंने। तिलक करना है कुमकुम से कलश पे और नारियल पे भी इस तरह से मैं तिलक कर दूंगी। अब मैं करूँगी कलश की स्थापना। थोड़े से चावल यहाँ पे रख रही हूँ, उसके ऊपर इस तरह से कलश की स्थापना मैंने कर ली है। दुर्वा गणपति बप्पा के आगे चढ़ा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सुपारी की स्थापना कर रही हूँ। सुपारी यानी कि गणेश का रूप ही इनको भी माना जाता है। फूल चढ़ा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आगे पोटली रखूंगी। आप चाहे तो वेल्थ जार भी रख सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि पोटली या वेल्थ जार किस तरीके से बनाना है, वो भी यहाँ पे मैं रख रही हूँ। ये धनतेरस वाले दिन ही यहाँ पे रखना है, पहले दिन पे। अब मैं माता को और गणेश जी को तिलक लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सूखा धनिया और इसके बाद छिलके समेत चावल थोड़े से ये मैं चढ़ा रही हूँ। बाद में मैं ये पक्षियों को खाने के लिए दे देती हूँ या अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे मिश्री चढ़ा रही हूँ। चाहे तो यहाँ पे चीनी या शक्कर भी रख सकते हैं। फल चढ़ा रही हूँ और ये प्रसाद मैंने रखा है। चिकन का पाउडर ले रही हूँ जो मैं थोड़ा सा सब पे चढ़ा रही हूँ। जो पोटली मैंने बनाई है उस पे चढ़ा रही हूँ और श्रीफल पे भी मैं इसे आप चढ़ा दूँगी। अब मैं ले रही हूँ लाल चंदन और वो भी मैं थोड़ा थोड़ा चढ़ा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे चांदी का सिक्का रख रही हूँ। बहुत लोग यहाँ पे अपने पहने हुए जेवर भी रखते हैं, पर मैं जेवर नहीं रखती हूँ, मैं तिजोरी में ही उसकी पूजा कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुलाब का अत्तर ले रही हूँ। ये ऑप्शनल होता है वैसे तो, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लगाने के लिए। ये मैं लेती हूँ और ये थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ। पोटली पे भी लगा रही हूँ। बिरंगी दियों का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और 5-6 दिन यही दियों का इस्तेमाल करूँगी। यानी कि धनतेरस से शुरुआत करते हुए 5 दिन तक यही दिए रोज़ इस्तेमाल मैं करूँगी। लेकिन आज ये डेमो है इसलिए मैं साधारण दिए आपको बता रही हूँ और गिनती पे मैं नहीं जाती हूँ। मुझे जितने समझ में आते मैं दिए लेती हूँ। इनमें मैंने तिल का तेल डाल दिया है और इसमें कुछ सामग्री मैं मिलाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें अक्षत यानी कि चावल डाल रही हूँ। अब थोड़ी सी चीनी, अब इनमें थोड़ी थोड़ी पीली सरसों में डाल रही हूँ। अब मैं इनमें 1-1 हरी इलायची डाल रही हूँ।
अब मैं दियो में लौंग डाल रही हूँ। अब मैं दियो में थोड़ी थोड़ी हल्दी का पाउडर जो होता है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 5-6 दिन मैं इसी तरह से दिए जलाऊंगी। अब मैं आपको मैं बताने वाली हूँ कि यम का दीपक किस तरह से बनाना है। इसमें मैंने केवल सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, 4 बाती 4 लौंग, और अब मैं इसके अंदर 4 इलायची डालूंगी हरी वाली। अब मैं इसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल रही हूँ, चावल, चीनी, और ये मैं तिलक लगा रही हूँ 4 जगह पे। अब इनको मैं जला दिया है। ये धनतेरस वाले दिन ही मैं ये दीपक जलाती हूँ यम का, और इसको दरवाजे के बाहर यानी कि जब अंदर खड़े और बाहर की तरफ देख रहे हैं तो राइट साइड पे दाहिने तरफ मैं इसको जलाऊंगी। चाहे तो इसको दक्षिण दिशा में घर के अंदर भी जलाया जा सकता है। ये केवल यम का दीपक एक ही दिन जलता है। अब मैं यहाँ पे हवन कुंड में मैजिकल मिक्सचर और कपूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैजिकल मिक्सचर ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, ये आपको मिल जाएगा। और उसके साथ मैं यहाँ पे गूगल कप्स यूज़ कर रही हूँ, ईजिली किसी भी लोकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, पूजा की दुकान पे। मैं इस तरीके से, देखिए ये पैकेट मैं गूगल सांबरानी कप्स के लेके आती हूँ। मुझे इसकी खुशबू बहुत ही पर्सनली पसंद है, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये जला दिया, बहुत ही अच्छा वातावरण हो जाता है। पर्सनली मुझे हवन जलाना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता है। ये 5 दिन माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है। यही सेम प्रोसीजर मैं रोज करती हूँ, केवल यम का जो दीपक होता है वो एक ही दिन मैं जलाती हूँ। बाकी ये सारा जो प्रोसीजर आज आपने देखा, इसी तरीके से मैं ये डेली करती हूँ। स्थापना जो होती है लक्ष्मी गणेश जी की, वो केवल मैं एक ही दिन करती हूँ, और जो चढ़ाना होता है उन पे वो सारी चीज़ें मैं डेली करती हूँ। इस तरीके से वो रोज़ मैं चेंज करती हूँ। प्रसाद हो गए, फल फूल हो गए, वो सब मैं रोज़ चेंज करती हूँ 5 के 5 दिन। को ये मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसको लाइक आप ज़रूर से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लें। मेरे नए चैनल इंदु आहूजा को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे यंत्रों की पूजा कर रही हूँ जो पर्सनली मैंने खुद अपने लिए और मेरे ऑफिस के लिए बनवाए थे। इसकी मैं हमेशा पूजा करती हूँ, हर साल, साल में एक ही बार इसकी मैं पूजा करती हूँ। तब तक आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।